बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उमरे पे जा रहा हूँ। मैं तो रेडी हो गया हूँ, लेकिन मेरा दोस्त जो अभी पीछे है वो रेडी होते थे फिर इंशाल्लाह बाहर मेन रोड की तरफ निकल। तो माशाल्लाह मेरा दोस्त आ गया, अभी रेडी हो गया है। तो अभी मेन रोड पर जाते हैं और वहाँ पर अपना उबर वगैरह करते हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं माशाल्लाह, और मैं तो माशाल्लाह बहुत दफ़ा गया हूँ। अल्लाह पाक हर इंसान को ये सादत बार बार नसीब फरमाए, और अपने वालदैन के साथ नसीब फरमाए, बच्चों के साथ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैसे महसूस कर रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं माशाल्लाह? इंशाल्लाह अल्लाह ब्लेस। तो माशाल्लाह ये पीछे हमारी रहश है, तभी हम इधर रोड पे आ गए हैं। यहाँ से हम लेंगे गाड़ी टैक्सी वगैरह। ये चेक करें कितनी बड़ी ट्रॉली है, और अभी जो टाइम हुआ है तकरीबन 1:39 हुआ जाते हैं, और अभी हम जो है ना गाड़ी मिल गई है, अभी हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ से हमने टिकट लिया था, और ये खमीस मुशीद का बलद का एरिया है, बलद का। जी अभी पहुंच गए ऑफिस में। मैंने तो टिकट जो है ना 4 दिन पहले कर लिया था, लेकिन ये अरसलान भाई जो हैं ये एकदम से तैयार हुए, तो इनका भी टिकट कर फिर इंशाल्लाह बस की तरफ जाते हैं। तो चश्मे भी ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना मौसम ठीक है, लेकिन आगे जाके जो है ना वो धूप थोड़ा तेज़ हो जाएगी। तो ये भाई भी हमारे साथ हैं, ये भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये मिस्र से हैं, और गाड़ी जो है ना हमारी सामने है। ये जी हमारी गाड़ी ये खड़ी है माशाल्लाह। रो रो इस मुश्किल है। तो अभी हम अंदर बैठेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से रवाना हो चुके हैं, सफ़र की दुआ पढ़ेंगे। माशाल्लाह बाहर मौसम भी जो है, जैसे ही खमीस से निकले हैं तो बारिश का हो गया है, काले स्याह बादल जो हैं आ गए हैं, देखते हैं आगे बारिश होती है या नहीं। जैसे खमीस से निकले हैं माशाल्लाह बारिश भी शुरू हो गई है। अभी खमीस में ही है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि 80 रीजन का ये शहर खमीस और अबहा, ये दोनों ट्विंस सिटी हैं, जुड़वा शहर है, और यहाँ का जो मौसम है ख़ास तौर पर ये वाला मौसम अप्रैल वाला चल रहा है, इसमें जो है ना ज़्यादातर ये बारिशों का सीज़न होता है इस अप्रैल में, 25 अप्रैल तक। यहाँ पे मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा होता है, ये टूरिस्ट सिटी है, यहाँ पे सऊदी अरब और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं, टूरिज़म के लिए आते हैं माशाल्लाह। बारिश चेक करें माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम उमरे के लिए रवाना हो चुके हैं, रास्ते में माशाल्लाह अभी असर की नमाज अदा की है, और रास्ते में माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। ये हमारी गाड़ी है माशाल्लाह, तो नमाज असर हमने अदा कर लिया है, तो अभी जाते हैं और अपना सफ़र जारी करते हैं। हम खमीस मुशीद से आ रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह अभी पहुंच गए हैं मक्का में, और अभी होटल में जाते हैं। रास्ते में सहरे भी अफ्तारी सब कुछ रास्ते में थी, और अभी जो है ना ये होटल है इधर जाते हैं, ये अपना रिहायशी सामान वगैरह रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह उमरे के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सामान रख दिया है, और अब जो है ना उमरे के लिए जा रहा है माशाल्लाह। मक्का की तंग गलियों में से गुजर के उमरे के लिए जा रहे हैं हम जो है ना। रास्ते में सब कुछ किया, अफ्तार भी और सहर भी सब कुछ, इधर तकरीबन फजर के टाइम पहुंचे हैं, क्योंकि हम लोग खमीस से आए हैं, तो तकरीबन 12 घंटे का सफ़र था। और ये चेक करें माशाल्लाह मदीना का, ये चेक करें माशाल्लाह मक्का की तमाम तमाम गलियाँ, और इन गलियों में से गुजर के जा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह मक्का की तंग गलियों से निकल के अब कुशादा रोड पे आ गया है, और पीछे आप माशाल्लाह रोड रस चेक करें आप, इधर भी माशाल्लाह पूरा रोड जो है ना जाम है। सामने जो है ना माशाल्लाह ये देखिए, आपको मीनार भी नज़र आ रहा होगा, मस्जिद अल हरम का। तो माशाल्लाह मस्जिद अल हरम में हम जो है ना करीब आ चुके हैं माशाल्लाह। ये सामने मीनार है, ये क्लॉक टावर है,
लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा भी अदा कर लिया है और रमज़ान अल मुबारक का आखिरी जुमा जुमतुल विदा भी अदा कर लिया है। अभी जाते हैं होटल की तरफ। पैदल जा रहा था होटल तो रास्ते में थक गया, बैठ गया, टाइम तीन जगह पाँच मिनट हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा, एक किलोमीटर है इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। बाकी भी बैठे हैं जिस जी। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा अदा करने के बाद मैं अपने होटल में पहुंच गया था और अभी जो टाइम हुआ जाता है वो 7:09 हैं और हमने अभी नीचे जाना है, होटल को बाय बाय खुदाफिज़ कहना है, क्योंकि 7:30 हमें बोला गया था कि आप होटल के नीचे आ जाएं, फिर हम यहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे मदीना पाक के लिए। तो मेरे जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं उनके दिलों में जो भी नेक जायज़ तमन्नाएँ हैं, दुआएँ हैं, अल्लाह पाक उसको कबूल और मंजूर फरमाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। वस्सलाम।